और ये मेरा पहला मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है, तो इस मेरे हेलमेट में इसी में मोटो ब्लॉगिंग कर रहा था। थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था, उसको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। दौड़ के जगह ऐसा ही गिर जाएगा, तो मेरे को सर्दी हो गया है थोड़ा सा। ये भी चलता फिरता ना हो क्या? अरे बाप रे, वो तो वाटर, ये क्या बोलते हैं उसको, जो पानी सप्लाई करते हैं ना। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन सुंदरगढ़, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम जा रहे हैं नानी घर, या नाना घर जो भी बोल सकते हो। एक शादी है, मामा जी के साथ जा रहे हैं, और ये मेरा पहला मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है। पता नहीं वॉइस कैसे आ रहा होगा कैसे नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि वॉइस अच्छी आ रही हो, अच्छी जा रही हो। बोला कि कैसा दिख रहा है पता नहीं, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये हम पहुंच गए खिड़िया बाहर फ्लाईओवर में, और अभी टाइम हो रहा है 11:30। पहुँचते 12:30 बज जाएगा, और काफ़ी अच्छा अच्छा व्यू भी आने वाला है। पूरा एकदम जंगल का रास्ता है, मज़ा आ जाएगा। आपको आगे का व्यू भी दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यमुना जी बाकी सीधा, चलो सीधा ही चलते हैं। और ये मैं फ़ोन से मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, मेरे पास गोप्रो वोप्रो कुछ नहीं है। और ये देख गाड़ी देखो यार, अब्बा का ज़माने का गाड़ी है, अब्बा का ज़माने का। क्या करूं मैं तो गरीब हूं। अरे यार, यहाँ पे इतना सारा हम्प्स किसने लगा दिया? पास में कॉलेज है इसीलिए यहाँ पे हम्प्स इतना ज्यादा लगाया गया है। अरे यार, हाईवे पे इतना हम्प्स नहीं लगाना चाहिए यार। ये तो हालांकि ये हाईवे तो नहीं है, लेकिन हाईवे को कनेक्ट करने वाला सबवे है। और ये हम पहुंचे पानपोस्ट ऑटोनोमस कॉलेज, और ये चेक करो गाइस, हॉकी वर्ल्ड कप के चक्कर में यहाँ पे सब कुछ एकदम मस्त बना दिया गया है। पार्क जैसा है, बैठने के लिए सब कुछ है। और आगे भी चेक करते हैं, ये हम पहुंच गए हॉकी चौक। यहाँ का नाइट भी बहुत ही तगड़ा दिखाई देता है, जो भी बोल रहे हैं नाइट भी, मतलब यहाँ का एक नंबर। मो बस एसी बस, एसी बस में हमको जाना नहीं है, हालांकि ठंड का मौसम है। पांडियन जी आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे गाड़ी का हड़ताल लग गया है, चारों तरफ बंद ही बंद है। सारे देवघर में आ गए, देवघर पिकनिक स्पॉट। हमने चांदीपुर से थोड़ा सा आगे जाके यहाँ हाईवे से राइट क्रॉस किया। आप लोग अगर गूगल मैप में भी सर्च मारोगे तो आ जाएगा, मुझे जा रहे आप लोग हमारे घर के। हे प्रभु श्री हरे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेम, ये क्या हुआ? हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, हम लिखा हुआ देवधर बड़ो भजे स्थान हो नवीन पटनायक, नवीन पटनायक के द्वारा ये किया गया है सब कुछ। यहाँ बैठने के लिए इतना अच्छा अच्छा जगह है, लेकिन कोई आए ही नहीं भाई, एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना अंधेरा। तो भाई हम लोग पहुँच गए यहाँ पे देवधर पिकनिक स्पॉट, इधर देखो कैसा है। अरे बाप रे, थोड़ा जगह अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है। हो। ये देखो गाइस, बाप रे इतना बड़ा बड़ा सीढ़ी है, यहाँ पे उतरने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अजीब सा सीढ़ी बनाया गया, आगे तरफ डाउन कर दिया गया है। देखो सीढ़ी का भी आगे तरफ डाउन है, मतलब जो दौड़ दौड़ के जगह ऐसा ही गिर जाएगा ये तो। मेरे को सर्दी हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे नाव भी है, नाव। अरे बाप रे, तो हिल रहा है। ये भी चलता फिरता नाव है क्या?
अरे बाप रे, वो तो वाटर ये है, क्या बोलते हैं उसको, जो पानी सप्लाई करते हैं ना, वो बोला है। डूबी लू मैं, हमको तैरना आता है जी। इधर तो पूरा ब्लू ब्लू पानी दिखाई दे रहा है, लगता है बहुत गड्ढा है। उधर इधर सब मछली पकड़ने के लिए, उधर सब मछली पकड़ने के लिए आदमी सब है। यहाँ काफी ज्यादा गड्ढा है ऐसा लग रहा है। एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, सब कोई कहाँ गए पता नहीं। आज कोई पिकनिक के लिए नहीं आया क्या? जहाज क्योंकि हम लोग देख सकते हैं जहाज पे हैं। उधर देखो जंगल, इधर जंगल, उधर जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल। यहाँ बोट वोट नहीं क्या बोटिंग करने के लिए? बोटिंग करने के लिए रहना चाहिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे, यहाँ पे जब यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ तो ये थोड़ा दब जा रहा है। देखो यहाँ आने के बाद ऐसा लगा जैसे कि डीएवी पॉन्ड है ना, वहाँ पे अभी वैसा है। वहाँ पे क्या छोटा सा गुफा जैसा दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या गुफा है, मुझे नहीं पता। अच्छा तो और थोड़ा आगे जाएंगे क्या उधर पिकनिक स्पॉट वगैरह देखने के लिए? चलिए। इतना खाली खाली कैसा लग रहा है यार, पिकनिक स्पॉट है और पिकनिक के लिए कोई आता ही नहीं, सब कोई खंडाधर चले गए क्या? खंडाधर वहाँ तो इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि क्या बताऊँ। तो इस मेरा हेलमेट में इसी में मोटर ब्लॉगिंग कर रहा था, थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था, उसको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। बट वीडियो तो अच्छा ही हो रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं दे रहा था। चलिए और आगे जाके देखते हैं और कुछ देखने के लिए मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे बरसात के समय में छिपने के लिए मस्त जगह है, यहाँ पे एकदम सीढ़ी के नीचे। चलिए अभी थोड़ा आगे जाके देखते हैं आगे और कुछ है कि नहीं इस जगह को। गुड बाय। ये रहा पिकनिक स्पॉट, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन आज कोई पिकनिक के लिए आया ही नहीं है यार। यहाँ पे इस जगह का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला बोर्ड में देखो, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन सुंदरगढ़, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट देवधर इको टूरिज्म। अच्छा ये टूरिस्ट के लिए है। विलेज है अंगारपारा, ग्राम पंचायत दार्जिंग, ब्लॉक लहोनीपड़ा, ईयर 2020-21। तो यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन है, देख लो। और यहाँ पे देखो गाइस, चेक मारो ये क्या ही मस्त नज़ारा है, लेकिन कोई भी आदमी नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी तो पिकनिक का टाइम है लेकिन कोई आ रहा ही नहीं रहा। यहाँ पे पूरा शांति है, शांति लड़की वाला शांति नहीं, पीस जिसको बोलते हैं, पीस मतलब शांति, काफी ज्यादा शांति है। जंगल है इसलिए कुछ आ जाएगा तो नहीं, चलो चलते हैं घर, तो लेने का देने पड़ जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए कुछ इस जगह, इस तरीके का जगह पे। यहाँ पे मस्त शांत जगह है, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पे बना दिया गया नहीं, ये बन गया है शायद, पानी आया था इसीलिए। और थोड़ा अनार मिल गया, और थोड़ा सा अनार खा लेते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं घर की तरफ, घर यानी मेरे नानी के घर की तरफ। उधर शादी है, थोड़ा खाएंगे पिएंगे। अरे इधर लड़की लोग कहाँ आ रहे हैं, लगता है कॉलेज के लड़की लोग हैं, आई मीन स्टूडेंट लोग हैं, स्टूडेंट कॉलेज गए थे शायद। ये रहा हम लोग हाईवे पहुंच गए। यहाँ पे बाहर हाईवे के पास पे भी साइनेज वगैरह लगा हुआ है, गाड़ी तो नहीं आ रही। हाईवे पे गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ है। क्या नजारा है, फूल लगाया गया है चारों तरफ, ये सरसों का पेड़ है ना। तो ये रहा, हम पहुंच गए जहां हमें पहुंचना चाहिए था। यहाँ तो इतना भीड़ है, आगे कैसे जाएंगे।
अभी हम लोग खाना देखते हैं, सीधा खाने चले गए और वो लिया है मछली, मैं लिया हूँ चिकन, और खाने के बाद भी कुछ मीठा हो जाना चाहिए। लगता है पांडियन सर चले गए, अभी सब ट्रकों को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, सब कोई जा रहे हैं। यहाँ इतने सारे ट्रकों के बीच में एक बस वाले भैया भी फंस गए हैं, ये देखो यहाँ पे। उसके बाद हम लोग थोड़ा आ गए हैं प्लूटन मॉल, थोड़ा देखते हैं क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। अभी के टाइम पे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर भी जाके देखते हैं थोड़ा सा। तो यही था इस वीडियो में, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।